हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी नीट 2025 की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आज हम लोग करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्यों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्योंकि नीट नी ट्वेंटी में अब आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों ने 2023, 2022, 2024 हजार का पेपर देख करके ये चीज समझ लिया होगा क्योंकि जो वीडियोस आप लोगों के पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस के अभी YouTube पर अवेलेबल हैं वो काफी पुराने हैं आप गौर करेंगे तो मोर देन नाइनटी परसेंट ऐसे हैं जो दो से तीन साल पुराने हैं तो वो थे पुराने पैटर्न के हिसाब से जहां पर डायरेक्ट लाइन वाइज क्वेश्चन आते थे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन अब नंबर बढ़ गया है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स का मैचिंग का एसर्शन रीजन इस तरह के क्वेश्चंस का तो आज मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर के एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चन कम से कम टाइम में करा दू और इन का एक, -एक तो डाउनलोड कर सकते हैं मैं आप लोगों को रेगुलरली करा रही हूं नीट पी वाई क्यू विध मिनट डेली एट इलेवन एम तो डोन्ट मिसो बिकॉज वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेगा वहां से पता चलेगा कि टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से शुरू करते हैं पर उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायलाइजिंग फ्लूड है सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट सीरम माइनस यूरिया लिम्फ प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा प्लस इलेक्ट्रोलाइट प्लस हिपेरिन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है आपको पांच सेकेंड मिल रहे हैं जल्दी से गैस करिए आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन दैट इज प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड कंटेन ऑल एक्सेप्ट आपके ऑप्शन है एनएसएल यूरिया यूरिक एसिड लेक्टिक एसिड विद इन फाइव सेकेंड आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए आपका करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन यूरिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व वंस देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड ए ऑस्मोरिसेप्ट ऑन हाइपोथेलमस स्विच ऑफ वैसोप्रेसेंट फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस इज रिलीज्ड एल्डोस्ट्रॉन कॉजेज रीअब्जॉर्ब सोडियम आयन एंड वॉटर एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स अकर आपके अकॉर्डिंग यहां पर चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट है जल्दी से गेस करिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दैट इज ओनली ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन अकर इन ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट ऑप्शन है पीसीटी डीसी टी कलेक्टिंग फिर हेनलेज लूप फाइव सेकेंड के अंदर आंसर गेस करिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन हेनलेज लूप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन एक्सेप्ट आपके ऑप्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर सेक्रीशन ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्बेशन या फिर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन आपके पास पांच सेकेंड है करेक्ट आंसर गैस करने के लिए आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड वन ग्लोमेरुलर सेक्रीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट री एब्सॉर्ब्ड बाई द किडनी ए यूरिया बी ग्लूकोज सी पोटेशियम डी एमाइनो एसिड्स एंड ई क्रिएटिन चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके पास पांच सेकेंड है आंसर गेस करने के लिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दैट इज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लो मैरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर हैं ऑप्शन है वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर डे वन एटी लीटर पर डे वन पॉइंट टू फाइव एम एल पर डे या फिर वन पॉइंट एट लीटर पर डे जल्दी से विदिन फाइव सेकेंड करेक्ट आंसर गेस कीजिए आपका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन 180 लीटर पर डे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट जक्स्ट्रा मेड्यूलरी दे लैक वासा रेक्टा सेकेंड वन देयर लूप ऑफ हेनले रन डीप इन टू द मेड्यूला थर्ड ऑप्शन इज देयर ग्लो मैरुलस इज इन द आउटर मेड्यूला फोर्थ ऑप्शन इज देयर पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज ज्वाइन टू फॉर्म कैलेस पांच सेकेंड में करेक्ट आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए आपका करेक्ट आंसर है देयर लूप ऑफ हेनले रन डीप इन टू द मेड्यूला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑप्शन है लिवर स्किन किडनीज या फिर लंग्स आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए पांच सेकेंड के अंदर आपका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन दैट इज किडनीज आपका एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बल्कि मेन ऑर्गन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर आपके ऑप्शन है रेन इन एनजीओटेंशन सेकेंड एल्डोस्टेर या फिर ए एन एफ करेक्ट आंसर गेस कीजिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दैट इज एन एफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन ए फास्टिंग फॉर अ डे बी डायबिटीज इंसिपिडस सी डायबिटीज मेलेटस या फिर डी स्टारवेशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन दैट इज सी एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न विद किडनी आपके ऑप्शन है एसिड बेस्ड बैलेंस मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूड या फिर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशल फ्लूड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एट आपके ऑप्शन हैं इंटरस्टिशल फ्लूड इन कॉर्टेक्स बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले इनर मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम या फिर मीडियन मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम कोशिश कीजिए आंसर लिमिटेड टाइम में गेस करने के लिए आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन दैट इज इंटरस्टिशल फ्लूड इन कॉर्टेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग टॉक्सिसिटी आपके ऑप्शन है यूरिक एसिड देन यूरिया देन अमोनिया सेकेंड ऑप्शन अमोनिया देन यूरिक एसिड देन यूरिया नेक्स्ट ऑप्शन इज यूरिक एसिड देन अमोनिया एंड देन आफ्टर यूरिया एंड द फोर्थ वन इज अमोनिया यूरिया या फिर यूरिक एसिड करेक्ट आंसर फाइव सेकेंड में गेस कीजिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोडायलिसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ऑप्शन है रेनल कैलकुली सेकेंड ऑप्शन यूरीमिया थर्ड वन इज ओयडेमा एंड फोर्थ वन इज ग्लाइकोसूरिया विद इन फाइव सेकेंड ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड वन यूरीमिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियल सर्फेस ऑफ किडनी आर डैश वाई लेटरल सर्फेस इज डैश आपके ऑप्शन हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉनकेव कॉन्वेक्स 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 या फिर कॉन्केव कॉनकेव करेक्ट आंसर गेस करिए आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन दैट इज कॉनकेव कॉन्वेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इन टू द किडनी थ्रो आपके ऑप्शन है पेल्विस हाइलम कॉन्वेक्स सर्फेस या फिर पिरामिड करेक्ट आंसर पांच सेकेंड में गेस करिए आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन दैट इज हाइलम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोनेस ग्रीन ग्लैंड मेलपिगन ट्रिब्यूल किडनी या फिर नेफ्रीरिया Try to guess the correct answer. आपका करेक्ट आंसर है ग्रीन ग्लैंड दैट इज फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेन इन ऑप्शन है आपके मोर सोडियम आयन इन ब्लड प्लाज्मा मोर ब्लड वॉल्यूम हाई ग्लो ग्लोमैरुलर ब्लड प्रेशर या फिर फॉल इन जी एफ आर आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है पांच सेकेंड में गैस करिए आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दैट इज फॉल इन जी एफ आर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन माइनर कैलिस नंबर इज ऑप्शन है इक्वल टू पिरामिड नंबर सेकेंड ऑप्शन फोर्टीन टू ट्वेंटी थर्ड ऑप्शन अनकाउंटेबल फोर्थ वन इज डिपेंड्स ऑन मेजर कैलिक्स नंबर आप पांच सेकेंड में करेक्ट आंसर गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू पिरामिड नंबर ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी आपके ऑप्शन है मेलपीजियन कॉर्पल्स पीसीटी डीसीटी या फिर ऑल द एब करेक्ट आंसर गेस करिए आपका करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन इज फॉर्मड ऑफ ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम ऑक्सिलेट यूरिया या फिर एमजीपीओ करेक्ट आंसर गैस करिए राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू आपके ऑप्शन है इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स द एपीथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स या फिर ऑल द एबव फाइव सेकेंड में गेस करिए करेक्ट आंसर आपका राइट right आंसर है ऑप्शन फोर ऑल द एब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके ऑप्शन हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स सोडियम आयन या फिर बाई कार्बोनेट आय करेक्ट आंसर गेस करिए विद इन फाइव सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है बाई कार्बोनेट आयन ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑफ मेड्यूला इंटरस्टिशियल फ्लूड आपके ऑप्शन है एनएच फोराइन डीसीटी पी सी टी या फिर एन ए सी एल एंड यूरिया आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन एनएसएल एंड यूरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम रीअब्सॉर्बेशन ऑफ सोडियम आयन एंड वॉटर टेक्स प्लेस इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन ऑप्शन इज पीसीटी लूप ऑफ हेनले वोमेन्स कैप्सूल या फिर डीसीटी आपका करेक्ट आंसर है पीसीटी फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑप्शन इज एएनएफ एल्डोस्टेरॉन एडीएच या फिर ए सी टी एच आपका राइट right आंसर है ऑप्शन थर्ड दैट दी एच नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन इज एलिवेटेड बाय ऑप्शन इज ए एन एफ एडीएच ए सी टी एच या फिर एल्डोस्टरॉन योर राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ए एन एफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ ऑप्शन है आपके डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज मेलिटस स्टारवेशन या फिर बोथ सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर दैट इज बोथ सेकेंड एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा यूरिया नेगेटिव या फिर यूरिक एसिड राइट आंसर इज द ऑप्शन वन दैट इज यूरिया आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करके रियलाइज किया होगा कि आपका चैप्टर किस लेवल तक प्रिपेयर है और मुझे सच सच कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए एंड ईमानदारी के साथ में क्वेश्चन की इसी तरह से रोज अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता मैं आप लोगों के लिए हर टाइप के क्वेश्चन की एसर्शन रीजन मैचिंग स्टेटमेंट्स हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन के अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जल्द ही मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के नए वीडियोस लाने वाली हूँ So, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट वीडियो